हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के एमसीक्यू के बारे में। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंक भी हो, वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और साथ में स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें, तो उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये पहले वीक का पार्ट टू है। इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे जीके के नए वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की हम यहाँ पर बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच कंपनी एडेड हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट फॉर डिजिटल असिस्टेंट। देखो, ये कहा जाता है कि जो डिजिटल असिस्टेंट है, जैसे अगर आप कोई एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको अगर कोई भी चीज़ सर्च करनी है, जैसे आपको कोई मोबाइल में फ़ीचर देखना है, तो आप लोग टाइप करते हैं हाउ टू सेट अलार्म, तो गूगल उसके रिस्पॉन्ड में आपको एक कोई रिप्लाई देता है। या फिर कोई कहा जाए कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है वो आपको बताता है। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट है, हिंदी में भी अगर आप अपने क्वेश्चन को पूछेंगे तो भी एक डिजिटल असिस्टेंट जो है वो आपको रिप्लाई करेगा, और ये डिज़ाइन किया है गूगल ने। ओके, तो ऐसा गूगल ने किया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और अगर गूगल की बात की जाए तो इसके जो सीईओ हैं, ये है सुंदर पिचाई हैं, जो दोस्तों भारत से आते हैं, और हेडक्वार्टर जो है यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच कंट्री मॉडिफाइड इट्स नेशनल एंथम। कौन सा देश है जिसने अपने देश का नेशनल एंथम जो है इसको मॉडिफाई किया है, ताकि वहां पर जेंडर इक्वालिटी जो है वो प्रॉपर बनी रहे, कोई अनबायस जो वर्क ना हो। ओके, तो ये किया है कनाडा ने। अब कनाडा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो इनका नेशनल एंथम है उसमें एक चीज़ ये लिखी थी, इन ऑल दाई सन्स कम ऑन। ओके, तो इस वजह से वहाँ के लोगों को कुछ आपत्ति थी, उसके बाद सदन में ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, और इस वजह से अब जो टैगलाइन है जो इन्होंने चेंज करा है वो ये कर दिया, इन ऑल ऑफ अस कमांड, अस यूज़ कर दिया, इसका मतलब यू प्लस आई। ओके, मतलब दोनों चीज़ों को मिलाकर इन्होंने यहाँ पर यूज़ करा है इन ऑल ऑफ अस कमांड। ओके, पहले केवल था इन ऑल दाई सन्स कमांड था, ठीक है, तो ये चेंजेस किए हैं। और कनाडा की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल है ओटावा, और यहाँ पर करेंसी यूज़ होती है डॉलर, कैनेडियन डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है जेम्स ट्रूडो। ओके, तो इनका नाम दोस्तों आप यहाँ पर देख लें। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इंडियाज रैंक इन 2017 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। 2017 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक आपको बतानी है, ये कितनी है दोस्तों, रैंक है 42 नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2017 ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक, तो आप बताएंगे 42। ओके, अब इसके बारे में कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेते हैं कि ये रैंक कौन बनाता है। ऐसा हुआ है कि 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से भारत की जो रैंक आई है वो 42 नंबर की आई है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको कहते हैं GDI, ये रिलीज करी जाती है यूनाइटेड किंगडम का ही एक कंपनी है, जिसको हम कहते हैं EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा इसको जो है रिलीज किया जाता है। और नॉर्वे ने यहाँ पर टॉप किया हुआ है इस लिस्ट में। ओके, और US जो है वो रैंक 21 पर है, एंड जापान, इटली, फ्रांस, इज़राइल, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग वर नेम्ड अमंग द फ्लोर डेमोक्रेसीज। ओके, तो इसमें क्या है, नॉर्वे जो है वो उसने टॉप किया है, US का 21 नंबर आता है, भारत का आप देख लें 42 नंबर है, ठीक है, जो भी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है विच कंट्री अलाउज डॉक्टर्स टू क्रिएट 3 पेरेंट बेबीज थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इस चीज़ को बताना चाहूँगा। अभी एक देश है जिसने अलाउ किया है कि एक बेबी के 3 पेरेंट्स जो है होने की बात है। ओके, तो ये बायोलॉजिकल कैसे ट्रू है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक मेल की बात होगी, एक फीमेल की बात होगी, और एक जो है थर्ड डोनर की बात होगी। ओके, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि जो एक बेबी फर्टिलाइज होगा उसमें इन तीनों के जो है पार्टीशन की बात कही जाएगी। अब वो किस तरह से होगा, अब जैसे मेल स्पर्म है वो होगा, और फीमेल का क्या है, न्यूक्लियस है, अगर कोई जेनेटिकल डिसीज है। ओके, तो उन चीज़ों को ही दूर करने के लिए डोनर की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, अब डोनर का क्या है कि उसके जेनेटिक चीज़ें यूज़ हुई हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो इस बेबी फर्टिलाइजेशन में फीमेल का यूज़ हो रहा है, और जो मैन है उसका स्पर्म यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही एक तरह से हम कह सकते हैं 3 पेरेंट बेबीज जो है इसका क्रिएशन की बात कही गई है। ओके, तो ये है UK।
तो इसको भी आप एक बार थोड़ा सा समझ सकते हैं। बाकी अगर बायोलॉजिकल अगर लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको ये पढ़ना होगा कि ये थ्री पेरेंट बेबीज है क्या। जैसे आपने देखा होगा कुछ जेनेटिक डिजीजेज हो जाती हैं बेबीज़ में, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए इस तरह के कदम उठाने के लिए एक देश ने अलाउ किया डॉक्टर्स के लिए टू क्रिएट थ्री पेरेंट बेबीज़। ठीक है, तो अगर ऐसा कहा जाए कि एक बेबी के तीन जो है पेरेंट्स हैं, तो ये बात अब आने वाले दिनों में दोस्तों सच साबित हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें कुछ और भी फैक्ट है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ब्रिटेन्स फर्टिलिटी रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं HFEA, जो कि है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी, तो इसने ही अलाउ किया है कि डॉक्टर्स के लिए कि थ्री पेरेंट बेबीज थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन थेरेपी MRT जिसको बोला जाता है, तो MRT के थ्रू ऐसा पॉसिबल है। ओके, और UK की कैपिटल जो है लंदन और प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे, और यहाँ पर करेंसी जो है वो पौंड यूज होती है। ओके, UK में क्या चलता है, पौंड चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कहा गया है इंडिया कंट्रीब्यूट्स हाउ मच मिलियन टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, मतलब भारत कितना कंट्रीब्यूशन करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में, ये आपको बता रहे हैं। दोस्तों भारत $1 मिलियन जो है इतनी राशि को कंट्रीब्यूट करता है UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में। ठीक है, और ये जो फंड है ये 9 जून 2017 को सेटअप किया गया था वर्ल्ड ओशियन डे इस मौके पर, और एज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड UNOSSC, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ कॉपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें फुल फॉर्म नोट कर लें क्योंकि कई बार एग्जाम्स में हमसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं जिसमें कहा गया है विच फॉरेन एयरफोर्स चीफ फ्लाइज तेजस एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन से फॉरेन के एयरफोर्स चीफ हैं जिन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट को पहली बार उड़ाया। ओके, और ये फॉरेन एयरफोर्स चीफ हैं, तो इनका नाम है जनरल डेविड एल गोल्डफिन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, और ये है कहाँ के ये भी नोट कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स के ही चीफ हैं ये। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इन्होंने ये दोस्तों पहले फॉरेन मिलिट्री चीफ बन गए हैं जिन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट को उड़ाया। ओके, और US की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग देख लें, और करेंसी चलती है यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर, US डॉलर, और प्रेसिडेंट जो है ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका दर्जा दिया गया, तो ये दोस्तों राइट आंसर दुबई। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दुबई के ही आंकड़ों के अनुसार अभी ऐसा आया है कि इसको नंबर वन स्टेटस मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो है 88.2 मिलियन पैसेंजर्स जो है इन्होंने 2017 में ट्रेवलिंग की है, और जो दुबई एयरपोर्ट के CEO हैं जिनका नाम है पॉल गिफ्थ, इन्होंने कहा है कि 90 मिलियन के अराउंड में पैसेंजर जो है 2018 में जो है इस एयरपोर्ट पर ट्रेवल करेंगे। और दुबई की अगर बात की जाए तो इसकी करेंसी है यहाँ पर दिरहम। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है ये खलीफा बिन जैद अल नहान। ओके, तो ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पर देख लो। इस 8 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रॉकेट टू कैरी टिनी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, वो कौन सा देश है जिसने अभी अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें वो दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रॉकेट जो है उसको जो है ऑर्बिट में ले जा सकेगा। ओके, तो ये किया है जापान ने। अब न्यूज़ यहाँ से बनेगी कि जापान की एक एजेंसी है जिसको हम कहते हैं जैक्सा, इसका मतलब है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इस मिशन को। ओके, तो ये नोट कर लें, और जापान के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ पर करेंसी चलती है एन जिसको हम कहते हैं जापानीज एन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है ये सिंजो अबे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में अगर हम बात करें, इसमें कहा गया है विच टेलीकम्युनिकेशंस टू स्पेंड ऑफ $413 मिलियन टू नज अप स्टेक इन भारतीय टेलीकॉम, मतलब ये कहा जाए कि वो कौन सा टेलीकम्युनिकेशंस है जिसने 413 मिलियन का अमाउंट है वो भारतीय टेलीकॉम में इन्फ्यूज करने के लिए कहा है। ओके, तो इसमें ये इतना अमाउंट लगाया जाएगा, तो ये कंपनी है सिंगटेल, कहा जाए सिंगापुर की ही है, सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस जिसको हम कहते हैं सिंगटेल। ओके, तो इसने कहा है कि $413 मिलियन इसके शेयर जो है भारतीय टेलीकॉम जो है इसमें अब होंगे इसके। ओके, और कैपिटल जो है सिंगापुर की, इसके हम यहाँ पर बात करते हैं, करेंसी यहाँ पर है सिंगापुरियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है ली हेंस लूंग, और प्रेसिडेंट जो है ये हलमिया यूके। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, सिंगापुर की कैपिटल जो है वो भाई है सिंगापुर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 10th वाला जिसमें कहा गया है
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोटोकॉल अमेंडिंग DTA। भारत और वो कौन सा देश है जिसके बीच में अभी हमारे यहाँ की यूनियन गवर्नमेंट ने DTAA का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये DTA है क्या। ये दोस्तों डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ओके, तो इसको अभी अमेंड किया है यूनियन कैबिनेट ने किसके साथ में, चाइना के साथ में। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जरूर कि ये DTAA है क्या। तो आप पहले तो कंट्री नोट कर लें, भारत और चाइना के बीच में अभी ये हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या। इसको हम कहते हैं एक टैक्स ट्रीटी है, इज अ बायलेटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस दैट एम्स टू अवॉइड और इलिमिनेट डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम इन टू कंट्रीज। मतलब कि दो देशों में सेम इनकम को अवॉइड किया जाए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये एग्रीमेंट है। और अभी ये भारत और चाइना के बीच में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, इसमें कुछ सुधार किए गए। चाइना की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और यहाँ पर करेंसी जो है ये रियांबी यूज होती है और प्रेसिडेंट जो है ये ज़ाई जिनपिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लो। 11th क्वेश्चन में कहा गया है, सुषमा स्वराज विजिटेड टू विच कंट्री टू अटेंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अल जनद्रिया फेस्ट। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि सुषमा स्वराज ने अभी वो कौन से देश गई हैं जहां पर इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी है अल जनद्रिया फेस्ट, इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके, इसकी ओपनिंग सेरेमनी में ये गई, तो ये दोस्तों सऊदी अरबिया भी गई। ओके, सऊदी अरबिया में यहाँ पर ये गई और ये हमारे यहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनको हम कहते हैं विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज जी, और इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी जो है इसको अटेंड किया। ये थी 32वें नंबर की अल जना दरिया फेस्टिवल और ये कहाँ पर होता है, ये रियाद में होता है जो कि सऊदी अरबिया की कैपिटल है। ठीक है, इसको भी देख लो, सऊदी अरबिया में करेंसी क्या चलती है, रियाल चलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो खेल जगत में इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी इस फर्स्ट वीक में आई है उनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, हु लिफ्ट्स नेशनल मैन सिंगल्स फॉर द 8th टाइम। अभी किसने नेशनल मैन सिंगल्स जो है ये 8वीं बार जो है ये अवार्ड अपने नाम पर किया, तो ये जीता है शरत कमाल ने। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं तमिलनाडु के। ठीक है, और इन्होंने 8th टाइम जो है ये अपने नाम पर अवार्ड किया है और इनको 2,00,000 रुपए की प्राइज मनी जो है ये भी दी गई। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि वो कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है इसको लॉन्च किया। ओके, तो ये किया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, ये दिल्ली में हुए हैं। ओके, और ये जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हैं ये कैंपेन है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्रास रूट लेवल है यहाँ पर खेलों को प्रोत्साहन देना। ओके, और वैसे कहा जाए जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से इसको हम जानते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जो है इनके द्वारा इसको चलाया गया ताकि जमीनी स्तर पर जो है स्पोर्ट्स हैं इसको बढ़ावा दिया जा सके। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर दिल्ली में जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन है, अनिल बैजल। ओके, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर नोट कर लें। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू विन Under-19 वर्ल्ड कप 4 times। वो कौन सा देश है जिसने लगातार 4 बार जो है ये दोस्तों वर्ल्ड कप जो है भारत ने 4 बार अभी तक जीता है। ओके, तो देश का नाम होगा भारत, क्योंकि Under-19 वर्ल्ड कप में भी बहुत जल्द भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ओके, तो इसके साथ में भारत के 4 खिताब जो है भारत के नाम पर अब हो गए हैं। अब कुछ और भी फैक्ट हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हुआ कहाँ पर है, Under-19 वर्ल्ड कप का वेन्यू था न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में हुआ और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, डिफीटिंग टू ऑस्ट्रेलिया, और 4th बार जो है ये टाइटल भारत ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में जीता था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने 2000 में जीता था, उसके बाद दोस्तों भारत ने 2008 में जीता। ओके, 8 साल बाद, उसके बाद में फिर 2012 में जीता और अब भारत ने 2018 में अपने नाम पर किया। ठीक है, और कैप्टन कौन थे भारत की ओर से, ये थे पृथ्वी शॉ, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया, शुभम गिल को, और फाइनल जो मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच थे मनजोत कालरा। ओके, एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि विच 2 इंडियन क्रिकेटर नेम्स इन फोर्ब्स इंडिया Under-30 लिस्ट। अभी क्या हुआ है कि फोर्ब्स ने अपनी Under-30 लिस्ट जो है इसको जारी किया है, इसमें भारत के 2 क्रिकेटर हैं उनको शामिल किया गया, जिसमें जसप्रीत बुमराह और हरमनप्रीत कौर, इनको दोस्तों शामिल किया गया है। ओके, तो हम थोड़ा सा और भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 2 क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह और हरमनप्रीत कौर, इनको हरमनप्रीत कौर जो है ये जो है क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनको और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों क्रिकेटर्स को यहाँ पर रखा गया। साथ में भारत की जो वुमेन्स हॉकी टीम है
गोलकीपर है जिनका नाम है सविता पुनिया, ओके इनको भी शामिल किया गया और शूटर हिना सिद्धू, ठीक है ये चार लोग जो है इस 30 लिस्ट में आए हुए हैं। ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेटर की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह और हरमनप्रीत कौर, ठीक है जो वुमेन्स टीम में आती है, ठीक है। और फोर्ब्स जो है ये अमेरिका की एक मैगजीन है और इसका आप नोट कर लें हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में और इसके सीईओ हैं ये माइकल पेरलेस। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि झांग वेमान जो है इनको अभी फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 जो है ये इन्होंने जीता है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये आती है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है, क्योंकि इन्होंने भारत की जो पीवी सिंधु है इनको हराकर ये खिताब अपने नाम पर किया, ठीक है तो आप इसको भी एक बार माइंड में सेट कर लें कि झांग वेवान जो है ये प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने भारत की पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है इनको हराकर जो है ये खिताब अपने नाम पर किया, ओके। एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स हैव बीन नेम्ड इन आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम। देखो क्या होता है कि जब वर्ल्ड कप हो जाता है उसके बाद में आईसीसी अपनी एक टीम बनाती है, तो उस आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जो है शामिल किया गया है? दोस्तों तो भारत की ओर से 5 खिलाड़ियों को शामिल यहां पर किया गया है, जिसमें आप देख लें पृथ्वी शॉ, मनजोत कालरा और शुभम गिल, अनुकूल रॉय और कमलेश नागरकोटी, ये 5 खिलाड़ी हैं। और कैप्टन जो है इस टीम के ये कौन है, ये है साउथ अफ्रीका के रियर्ड वैन टोंडर, ठीक है तो ये भी नाम आप नोट कर लें। और भारत की ओर से 5 खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित टीम का हिस्सा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कहा गया है कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू टेक 200 ओडीआई विकेट्स, वो कौन सी फर्स्ट वुमेन है दुनिया में जिन्होंने 200 ओडीआई विकेट जो है वो अपने नाम पर कर लिए, तो ये हैं झुल्लन गोस्वामी भारत की ओर से, ठीक है तो इसको आप नोट कर लें। अब इन्होंने 200 विकेट जो है ओडीआई क्रिकेट में अपने नाम पर किए और अपना 166 अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है उसको खेलते हुए इन्होंने ये कारनामा अपने नाम पर किया, ओके। और अगर कैप्टन की बात की जाए इंडिया की टीम के तो ये है मिथाली राज, इंडियन ओडीआई वुमेन टीम, ठीक है और T20 इंडियन वुमेन इसकी कैप्टन कौन है, ये है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों जिसमें कहा गया है विच फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू रीच 400 डिसमिसल इन ODI, वो कौन सा भारत का जो है पहला विकेट कीपर है जिसने 400 जो है विकेट्स ODI में पूरे कर लिए हैं। विकेट कीपर का नाम आपको बताना है तो ये है MS धोनी दोस्तों भारत के पहले ऐसे जो है स्पोर्ट्स पर्सन है विकेट कीपर है जिन्होंने 400 बार शिकार किया है खिलाड़ियों का ODI में, वनडे इंटरनेशनल में। इनसे अगर आगे बात की जाए तो श्रीलंका के जो है कुमार संगाकारा, ऑस्ट्रेलिया के एडम विकेस्ट और साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर, ये लोग इनसे आगे हैं और पहले जो है भारतीय हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा शिकार अपने नाम पर किए, ओके। तो ये न्यूज़ थी इस तरीके की स्पोर्ट्स की। अगली वीडियो में दोस्तों हम कुछ अदर टॉपिक आप तक डिस्कस करके लेकर आएंगे और आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, अगर किसी तरह का इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, ये आपके अपकमिंग एग्जाम से इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।